और कैसे हो मित्रों, मजे से जिंदगी बिता रहे हो कि नहीं। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसी हसीना की जिसका फिगर तो नॉर्मल है लेकिन यादाएं कमाल की हैं। तो आज बात होगी कातिल यादाओं वाली और सबको पागल बनाने वाली रानी परी के बारे में। रानी परी अब तक कई वेब सीरीज में काम कर चुकी है और सबको अपना दीवाना बना चुकी है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जीरो फिगर वाली इस हसीना को कहाँ कहाँ देख सकते हैं। मैं इसी तरह कमाल धमाल और मालामाल हसीना पे वीडियो बनाता हूँ जिसे देख कर आपका रोम रोम रोमांटिक हो जाएगा। तो अगर आप कुछ गर्मा गर्म और मसालेदार देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबा दें। तो चलिए देखते हैं। अधूरी आस ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी नीता नाम की एक जवान महिला की है जिसकी शादी एक बूढ़े आदमी से हो जाती है। बूढ़ा आदमी ना तो नीता को टाइम देता है और ना ही इसकी शारीरिक भूख पूरी कर पाता है। लेकिन जब बंगाली बाबा का चूरन चाटने के बाद भी बूढ़े से कुछ नहीं होता है तो नीता सब कुछ छोड़कर वापस आ जाती है। नीता के घर में नितिन नाम का एक लड़का है जो बचपन से ही नीता को पसंद करता और इसे खोपचे में लेना चाहता है। किंतु नितिन की लॉटरी तब लग जाती है जब ये नीता दीदी के साथ साथ अपनी आंटी को भी खोपचे में ले लेता है। उल्लंघन ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी निधि नाम की एक लड़की की है जो अपने चचेरे भाई से इश्क लड़ाती है और जिंदगी का मजा उठाती है। निधि की माँ अपना घर चलाने के लिए और घर का खर्चा उठाने के लिए ब्रिजेश नाम के एक बूढ़े आदमी से शादी कर लेती है। ब्रिजेश बहुत बड़ा ठरकी है जो निधि को ब्लैकमेल करके इसकी डंका बजा देता है। लेकिन इस बूढ़े की हौसी नजर रीमा बेटी पे है जिसका चेहरा इसकी पहली पत्नी से मिलती है। तो ये हौसी बूढ़ा रीमा का कैसे शुगर डैडी बनता है ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखना होगा। इस वेब सीरीज में भारती झा, अंजलि पोलेना, ऋतु पांडे और रानी परी नजर आई है। छोटी बहू ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी पिंकी नाम की एक लड़की की है जिसकी शादी अखिल नाम के एक लड़के से हो जाती है। अखिल के घर वाले बहुत संस्कारी हैं जो अपना तन बदन छुपा कर रखते हैं। पिंकी इस संस्कारी घर में तबाही मचा देती है और अपने हुस्न से घर के सारे मर्दों के अंदर आग लगा देती है। इस घर की बड़ी बहू बहुत संस्कारी है जो शर्माती है और अपने पति को पलंग तोड़ मजा नहीं दे पाती है। लेकिन पिंकी के चक्कर में आकर बड़ी बहू सनी लियोनी बन जाती है और अपने पति को 7 जन्मों का मजा एक ही दिन में दे देती है। तो पिंकी इस संस्कारी परिवार को कैसे चमत्कारी परिवार बना आती है ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखना होगा। चौदह ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी महेश नाम के एक आदमी की है जो एक ही ऑफिस में कई सालों से काम कर रहा है लेकिन इसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। महेश के बाद जितने भी लोग आए उनका प्रमोशन हो गया और वो मजे से जिंदगी जी रहे हैं। दरअसल महेश का बॉस बहुत बड़ा हाउसी है जो उन्हीं लोगों को प्रमोशन देता है जो बॉस को अपनी बीवी के साथ सोने का मौका देते हैं। महेश को पैसे और प्रमोशन की जरूरत है लेकिन महेश अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ नहीं देख सकता है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब महेश पैसे के लिए अपनी बीवी और बुआ दोनों को अपने बॉस के साथ तांडव कराने के लिए तैयार हो जाता है। पहरेदार 3 ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। ये पहरेदार वेब सीरीज का तीसरा सीजन है तो ज्यादा मजा लेने के लिए इसका पिछला सीजन जरूर देखें। तो कहानी वही सिखा की है जो अपने ससुर के साथ तबाही मचाती है और जिंदगी का मजा उठाती है। लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब सिखा का भागा हुआ देवर अपनी पत्नी शीतल के साथ वापस आ जाता है। सिखा का ससुर बहुत बड़ा ठरकी है जो सिखा को छोड़कर नई नवेली दुल्हन शीतल के साथ ही कांड करने लगता है। सिखा का ससुर पहले भी सिखा को धोखा दे चुका और किसी दूसरी हसीना के साथ गुलछर्रे उड़ा चुका है। तो सिखा अपने हाउसी ससुर को कैसे सबक सिखाती है ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखना होगा।